अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों हम हैं आज कुर्ला में सोहेल तनवर साहब के यहाँ उनकी मंडी में, द किंग ऑफ बिगेस्ट गोट्स इन मुंबई। अस्सलामुअलैकुम सोहेल। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया आपसे मिलके। और हमेशा की तरह काफ़ी अच्छे बकरे आए हैं और ये साल कुछ ज़्यादा ही बड़े बकरे हैं। इससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, ऐसे अंडूल आज देखने नहीं मिलते हैं, ये आपने कब से लाए, कब से पाल रहे हो, थोड़ा बताओ ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 महीने पहले खरीदे। 8 महीने पहले। क्या वजन है, क्या हाइट है इसकी? ये वापस इसका वेट था 139 की, जहाँ वहाँ से लिए, अभी इंशाल्लाह ये होगा 135। इसकी हाइट कितनी है भाईजान? इसकी हाइट 44.5। इसके दांत कितने होंगे? अभी 8 दांत फ्रेश किए, पर देखने पर लगता है पाल सकते हैं वगैरह। हाँ, 1 साल और रख सकते। और रख सकते। ये सब बकरे जो आप लाए हैं, ये ज़्यादातर तो मेरे को 120-130 किलो के दिख रहे हैं। 120-130। कुछ बैठे हैं, पहले बैठे हुए का ले लेता हूँ, कुछ बकरे अगर समझ में आएंगे तो उठाएंगे हम। देखें आप लोग कितने बड़े बकरे। ये सब बकरे 8 महीने से पाले हैं आपने? हाँ। ये अब बैठने जा रहे हैं, ये दिखाते हैं सोहेल भाई। एक भी बकरा मतलब आप भूल नहीं सकते हो कि कम वजन में है या कम हाइट में। ये सब बकरे नक पे दे रहे हैं हम लोग। हाँ, नक पे दे रहे हैं। माशाल्लाह। थोड़ा उस तरफ चलेंगे सोहेल भाई। और सोहेल भाई, जैसा लोग बोलते हैं कि सोहेल भाई की मंडी एक सेलिब्रिटी मंडी है, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पर, उसमें कितनी सच्चाई थोड़ा बताइए लोगों को। तो हम आपको वीडियो डाल डाल के भेज देंगे इंशाल्लाह, तो लोगों को पता लग जाएगा। जैसे मतलब बॉस वगैरह और काफ़ी लोग आए थे लास्ट ईयर। बॉस जो है हमारे रियाना बॉस जी, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो जी, और बहुत अच्छे मतलब एक पर्सन है। सही है, तो हमारा साथ देते। तो मतलब बड़ी बड़ी जगह पे अपने यहाँ से बकरे जा रहे हैं। और बकरे भी तो ऐसे, अगर कोई खरीदता आज ये बकरे तो यहाँ रखने का क्या सुविधा दे रहा है? यहाँ रखेंगे हम लोग बकरा, हो सके तो लेकर जाए अपना बकरे को। हाँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा बेहतर, तो हमारे और भी बकरे लाइनअप पे है जी असीम भाई। अच्छा, और आने वाले ये महीने में? ग्राहक आ रहे हैं तो हम लोग पहले जल्दी जल्दी बकरे दिखा देते हैं लोगों को। अब जैसे ये बकरा है, ये क्या वजन पे होएगा? 130 किलो का है। पूरा जहाज होता है। माशाल्लाह। ये वाइट मुंडी वाला गुजरी 125-128 किलो का बकरा, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे। मक्की चीना ये 118-120 किलो। सही। और देख सकते हैं कंटिन्यू लोगों का फ्लो है मार्केट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेन रोड पे है ना? मेन रोड। ये कहाँ सिचुएटेड है एग्जैक्टली? ये कुर्ला LBS रोड पे, आसिम भाई, नेक्स्ट टू बाबा फालूदा। नेक्स्ट टू बाबा फालूदा। थोड़ा सा इनको हकलवा देते इधर, बकरे हकलवा, ताकि और थोड़े बकरे देख पाए। वो आपका फेवरेट बकरा फंके के नीचे आगे खड़ा होगा। हाँ, वो मेरा। तो मतलब बहुत शानदार बकरा है, बहुत अच्छा। ये एक वाइट मुंडी है जो बेल्ट में है। हाँ, ये बकरा दिखाओ ना। कितना बड़ा बकरा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शानदार। ये अच्छा, ये वही अंडूल है? अंडूल एक ही अपने पास? मेरे पास एक अंडूल है, हैदराबाद। और ये वाला पंच है? लेट पंच। हकीकत में फ्रेम में नहीं आ रहा सोहेल भाई। और राहिल भाई भी आए माशाल्लाह। राहिल भाई हाथ दिखा दो। एक रिव्यू लेंगे उनसे भी इंशाल्लाह, बकरे कैसे लगे क्या है। इसकी आवाज़ से डर लगता है मेरे को तो भाई। मैंने आते ही आपको क्या पूछा था एक बात, ये मारता तो नहीं है? नहीं मारता। राहिल भाई भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे आप राहिल भाई? राहिल पठान साहब। ये तो बस देखा था कि इनकी मंडी लगे और यहीं से जा रहा था। हाँ, तो मैं उतर गया। बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, आपसे मुलाकात। सही, अच्छी बात है। तो राहिल भाई, अभी तो आप आए हैं, फिर भी आप बाहर से देख रहे थे, ये बकरा कैसा लगा आपको? पहले नजर मैं और बिलाल भाई खड़े थे, हमने नजर सबसे पहले इस पे ही गई भाई। क्या बात है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। दूसरा कलेक्शन तो भाई एक नंबर, मतलब गुजरी का अगर किसी को शौक है तो यहाँ पे जरूर आए, और बेहतरीन से बेहतरीन चीजें हैं। और ये चीज तो भाई बिक गई क्या है? बिका नहीं है जी, इंशाल्लाह इसको कोई चाहने वाले मिल जाएगा इंशाल्लाह। और मेरे को लगता है पालने लायक भी है ये। हाँ, ये पाल सकते हैं एक साथ। क्या दाद पे? बहुत बहुत शुक्रिया राहिल भाई आपके रिव्यू के लिए, जज़ाकअल्लाह। सो सोहेल भाई, हमने ये तो देख लिया, सोल्जर बकरे देखेंगे कुछ? चलो आइए। सो माशाल्लाह दोस्तों, देखा आपने एक से गुजरी बकरे देखे आपने, अभी सोजत के लिए जाते हैं हम। सोजत के बकरे भी एज यूजल क्वालिटी चेक कर रहा माशाल्लाह। मेरे को तो सब बकरे 80-90-100 के, 90-100 किलो के मुंडे में है, सिंग वाले वाइट आंख में, और ज़्यादातर ये बकरे सब 4 और 6 दांत। तो इनकी फीडिंग के हिसाब से बन जाते कि ये नस्ल ऐसी होती है? नहीं, ये पहली बात तो ये नस्ल भी बहुत अच्छी होती है, सबसे फास्ट ग्रोइंग नस्ल है आज की। क्योंकि जैसे हम बकरे तो सब जगह देखते हैं भाई, लेकिन आपके यहाँ तो वो चमक, वो बारीकपन इनमें। वैसे फिनिशिंग में लाना पड़ता है इनको, टाइम टू टाइम बाल काटना पड़ता है, खुर काटना, उनके ऐसा डाइट देना होता है, तो वो हिसाब से बकरे अपने फ्रेम में आते हैं। और ब्रीड भी बहुत मायने रखती है मेरे हिसाब से। देखें आप अबला की जो बहुत पैटर्न चलता है, ब्रोकन हार्ट पैटर्न है, आज बहुत देख रहा हूँ ये पैटर्न, ब्रोकन हार्ट पैटर्न। ये देखें गंगा पारी की सिंग है पूरी, जलेबी सिंग है ना, जलेबी प्लस का बकरा है। बाम डोले बोलते हैं इनको दिल्ली में, बाम डोले। आप तो पूरा इंडिया घूमे हैं बकरों के लिए, आपको क्या बताऊं मैं भी। वाह, बहुत शानदार मेरे भाई। ऐसे लगभग और 2 बाड़े हैं, एक नीचे है और एक उस तरफ। नीचे का रास्ता यहीं से है भाई जान। आइए, सोहेल भाई की जो मंडी है बहुत ही शानदार तरीके से, बारिश की पूरी सुविधा, बहुत हाइट पे, 8 फुट बोले ना भाई, 8 फुट। वाह, ये भी हमारे बकरे आसिम भाई, पूरा रैम पे नीचे आने का। और ये भी अपने हैं? नहीं, ये अपने हैं, ये अपने से पीछे वाले। हाँ बस, सही। चलिए, तो ये भी सेम है ना वो वाले? सेम। हाँ, ये तो मैं क्वालिटी यहीं दिखा देता हूँ लोगों को। तो ये ऑल जैसे सेम क्वालिटी के देखें आप। ये भी हमारा एक बहुत अच्छा बकरा है, 4-10-60 किलो। तो जो जिसको भी आना होगा, टाइमिंग क्या होता है मंडी का? ये कभी भी आ सकते हैं, हो सके तो 1 बजे से पहले आए रात के, है ना, वो रात में लेट अभी नहीं, वीकेंड्स पे 6 तो आ सकते हैं आप लोग, दिन में कोई भी वक्त आ सकते हैं, वीकेंड में क्या ज़्यादा गर्दी होगी। एकदम रूट पे तो काफ़ी वॉकिंग्स होते हैं ना भाई यहाँ पर। आइए, स्टार्टिंग का बाड़ा भी दिखा देते हैं। मैं सोहेल भाई का नंबर दूंगा आपको, एड्रेस एक बार बाहर से फिर समझा दूंगा। आई हैव नो वर्ड्स, आप भी कुछ बताइए भाई बकरों के बारे में, बहुत उम्दा क्वालिटी। अभी क्या बताऊँ आसिम भाई, जो चीज़ें आपके सामने और लोगों के सामने भी रखी जाएगी। और ये इतने सुकून में रहते हैं। हाँ, देखें पतीरा है क्या वो मुंडा? हाँ, ये पतीरा, ये हाँ, और ये शायद हैदराबादी जैसा है, ये कोटा और सोजत का वासा। वाह, वाइट आर्ट में। इसमें बहुत सारे बकरे 100 किलो के भी निकल जाएंगे, 100, 110, 105। और जो वाइट आग का है वो दिखाएंगे वो? हमारा सबसे अनोखा अंडू है, बहुत बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा शानदार। कितना गुलाबी है और क्या क्वालिटी है। सोहेल भाई, ये बकरे आप अलग अलग बाड़ों से चुन चुन के लेने पड़ते हैं, क्योंकि एक भी बकरा ऐसा मिलेगा नहीं, आउट है नहीं गए या रिजेक्ट हो गया। ऐसा आसिम भाई, मैं लॉट में से कुछ छाने हुए बकरे लेता हूँ जो मुझे पसंद है, वो कस्टमर को भी अच्छे लगे, बाकी भले पैसे आता पैसे वो तो लगेगा ही, लगेंगे वो तो।
अब जैसे ये चीज़ है, ये मेरे को नहीं लगता बहुत इजीली मिल जाती है, ये रेयर चीज़ है, वो मैं लेता हूँ। और लोग भी वैसे हैं, ग्राहक भी हैं, है ना, तो अच्छी चीज़ के अच्छे ग्राहक है ही हैं मुंबई के अंदर। वाह, और ये एकदम सुकून से खस्सियों के साथ रह रहा है भाई। ये एक बच्चा बैठा है, हालांकि चेहरा तो नहीं देखा मैंने, पर बहुत नायाब दिख रहा है, बहुत नायाब दिख रहा है। उसका कलर पैटर्न अपलक में आराम से, आराम से। वाह, ये जोड़ी है, क्या जोड़ी है, नायाब जोड़ी है, नायाब क्वालिटी। देखे इसका चेहरा, ये वाला बिका हुआ है ना भाई, ये एक बिका हुआ है। हाँ, सीना देखें इसका, सो जैसे आप हैंडसम है वैसे बकरे भी हैंडसम लाते हैं। हाँ भाई। वाह, सुहेल भाई एड्रेस तो एक बार समझा दिए थे आपने, आपका नंबर बोल दीजिए ना एक बार लोगों। 9833 4262 6282 82। और एक कॉन्टैक्ट नंबर है 9867 9867 88992। ठीक है, अगर दोनों नंबर पे फोन कर सकते हैं, वो हमारे एक फ्रेंड है फाद भाई, फाद भाई का नंबर है, फिर भी डिस्क्रिप्शन पे आप नंबर डाल दो, दोनों का डालूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और एड्रेस बता दूं मैं अगेन, ये बाबा फालूदा के जस्ट बाजू में, कुल्ला LBS रोड, LBS वेस्ट, कुल्ला वेस्ट में।